नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लिटिल टेली में। पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी यानी कि बच्चों में आयरन की कमी के बारे में, और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे फूड आइटम्स के बारे में जिनमें भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। सबसे पहली चीज जिसमें भरपूर आयरन होता है वो है ब्रेस्ट मिल्क यानी कि माँ का दूध। माँ का दूध बच्चे के जीवन के शुरुआती 6 महीने के लिए बहुत जरूरी होता है। माँ के दूध में वो सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स होते हैं जो उस एज में बच्चे को चाहिए होते हैं। अगर किसी कारण से आप बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क नहीं दे पा रहे हैं तो आप जो भी फॉर्मूला मिल्क चूज करते हैं वो आयरन फोर्टिफाइड फॉर्मूला मिल्क लें, उससे बच्चे को उसकी बॉडी की जरूरत के हिसाब से आयरन मिल जाता है। तीसरी चीज जिसमें बहुत सारा आयरन होता है वो है बीट रूट यानी कि चुकंदर। चुकंदर आप बच्चे को 7 महीने का हो जाने के बाद से प्यूरी के फॉर्म में देना शुरू कर सकते हैं। सूप के तौर पे भी चुकंदर बच्चों को दिया जा सकता है। अगली चीज जिसमें भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है वो है मूली के पत्ते। मैंने अक्सर देखा है कि हम मूली तो खा लेते हैं पर मूली के पत्ते फेंक देते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि मूली के पत्तों में बहुत सारा आयरन, विटामिन सी, कैल्शियम और फॉलिक एसिड होता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। मूली के पत्तों को हम सब्जी के तौर पे आसानी से खा सकते हैं। अगली चीज जिसमें अच्छी क्वांटिटी में आयरन होता है वो है ब्रोकली। अगर आपके आसपास आसानी से ब्रोकली मिल जाती है तो इसे बच्चे को जरूर खिलाएं। आप ब्रोकली और टमाटर का सूप बना के बच्चे को दे सकते हैं। उसके अलावा आप ब्रोकली को मैश करके भी बच्चे को दे सकते हैं। इसके अलावा स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद में बहुत सारा आयरन और फाइबर होता है जो कब्ज की परेशानी में बहुत आराम देता है। इसे आप 6 महीने का हो जाने के बाद से ही बच्चे को प्योरी के फॉर्म में देना शुरू कर सकते हैं। अगला है हरी मटर। हरी मटर में भी बहुत सारा आयरन होता है और ये बच्चों को खिलाना भी बहुत आसान है। इसे किसी भी सब्जी में या फ्राइड राइस में या फिर स्टफ्ड पराठे में आसानी से खिला सकते हैं। अगला है लॉन्ग बीन्स। लॉन्ग बीन्स की आप सब्जी बना सकते हैं, फ्राइड राइस में डाल सकते हैं या पोटैटो मैश में मिक्स करके भी बच्चे को खिला सकते हैं। आइए अब बात करते हैं ग्रेन्स की। रागी एक बहुत ही पौष्टिक खाना है जो हम बच्चे को 6 महीने का हो जाने के बाद से ही देना शुरू कर सकते हैं। इसमें पाया जाता है आयरन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए, थायमिन, फाइबर, प्रोटीन। रागी से हम बना सकते हैं इडली, डोसा, पैनकेक, मिल्क शेक, खीर और भी बहुत कुछ। जो हम दाल खाते हैं उनमें भी आयरन होता है। कोशिश करिए अनपॉलिश्ड दाल खरीदने की, क्योंकि जो दाल को पॉलिश का प्रोसेस होता है उससे दाल के न्यूट्रिएंट्स और फाइबर कम हो जाते हैं। अगला है बीन्स। बीन्स की लगभग सभी वैरायटीज आयरन से भरपूर होती हैं। बीन्स के कुछ उदाहरण हैं जैसे राजमा, छोले, सोयाबीन। बीन्स को कई सारे तरीकों से बनाया जा सकता है। आम तौर पे हम इसे सब्जी में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम इसे बॉईल करके सलाद के तौर पे भी खा सकते हैं। अगला है रेड और ब्राउन राइस। ये एक बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का। इसके अलावा इसमें फाइबर, विटामिन ई, विटामिन B6, मैग्नीशियम और प्रोटीन भी पाया जाता है। अगर ये राइस बच्चे को खाने में पसंद ना आए तो आप इसे बच्चे को जो भी सब्जी पसंद है उसके साथ देने की कोशिश कर सकते हैं। इसके बाद आता है ओट्स। अनाज की अगर बात की जाए तो कहते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा आयरन होता है। ओट्स को भी बहुत सारे तरीकों से बनाया जा सकता है, जैसे खिचड़ी, पैनकेक, खीर, स्मूदी, कुकीज और भी बहुत कुछ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गुड़ भी आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है? एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का बच्चे को खाना खाने के बाद दीजिए, इससे उसका डाइजेशन अच्छा रहेगा। गुड़ खाना पचाने में बहुत मदद करता है और उसके अलावा भी इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। इसके बाद बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स के बारे में।
हम सब जानते हैं कि ड्राई फ्रूट्स हमारी सेहत के लिए कितने जरूरी हैं। ड्राई फ्रूट्स जैसे कि अंजीर, किशमिश, खजूर, सूखा आलू बुखारा, इन सब में आयरन के साथ साथ और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसके बाद आता है टोफू। टोफू को सोया पनीर भी कहा जाता है क्योंकि ये सोया मिल्क से बनता है। ये दिखने में बिल्कुल पनीर जैसा होता है, पर न्यूट्रिएंट्स की अगर बात की जाए तो इसमें पनीर से भी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। टोफू वेजिटेरियंस के लिए मीट का एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट माना जाता है। अंडा भी एक बहुत अच्छा सोर्स है बच्चों को आयरन के साथ साथ और भी जरूरी न्यूट्रिएंट्स देने का। अंडा खिलाने में आप बस ये ध्यान रखें कि बच्चे को 8 महीने का हो जाने के बाद केवल अंडे का पीला भाग ही दें और 1 साल का हो जाने के बाद आप उसे पूरा अंडा दे सकते हैं। इसके अलावा सी फूड में भी आयरन के साथ साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। सी फूड में आयरन के बेस्ट सोर्सेज देखे जाएं तो वो हैं ट्यूना फिश, क्लैम्स और श्रिम्स यानी कि झींगा। मीट और चिकन भी बहुत ही अच्छे सोर्सेज होते हैं आयरन के, खास तौर पे रेड मीट और लिवर। ये हीमोग्लोबिन बढ़ाने में काफी मदद करते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो बच्चे को इसे खाने में जरूर दीजिए। अब हम बात करते हैं बच्चों की फेवरेट चॉकलेट के बारे में, पर यहाँ पे मैं नॉर्मल चॉकलेट के बारे में नहीं, डार्क चॉकलेट के बारे में बात करने वाली हूँ। दोस्तों, डार्क चॉकलेट एक बहुत ही रिच सोर्स होता है आयरन का और इसमें चीनी भी बहुत कम होती है, तो ये बच्चे की सेहत बनाए रखने का एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन होता है। इन सब के अलावा ड्रमस्टिक्स के पत्ते, बाजरा, पुदीने के पत्ते, मूंगफली, पालक, मेथी के पत्ते भी आयरन का एक रिच सोर्स होते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। हम आगे भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर आते रहेंगे, तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स से शेयर करिए ताकि उन्हें भी हमारे इस वीडियो से मदद मिल सके।